आज देखिए हम लोग आए हैं आम तोड़वाने। इस पेड़ में ना बस एक ही तरफ इस साइड बस आम आया है, पूरा पेड़ तो आम नहीं आया, बस इस तरफ आम आया है। आप लोग को दिखाती हूँ, इनसे देखती रहना ना। और बड़े पापा, हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और यहाँ पर आज का वीडियो देखिए, मैं बहुत ही अच्छी जगह पर आप लोग को ले आई हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग आम देखिए, और ना धूप की वजह से एकदम अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रही थी कि आप लोग एकदम अच्छे से दिखाऊं। और बहुत इसमें आम आए, इतना ढेर सारा इसमें आम लगा हुआ है। और ये वाला आम है ना, बहुत ज़्यादा मीठा रहता है, इतना ज़्यादा ही आम मीठा रहता है। कोई मिल ही नहीं रहा था तोड़ने वाला, फिर एक जन मिले हैं तो मैं कहीं आज तोड़वा लूँ, थोड़ा बहुत रख दूँगी पकने के लिए, क्योंकि अब तो अचार बनेगा नहीं। आज ना सुबह सुबह आ गए थे, ये वीडियो है गंगा, जिस दिन गंगा दशहरा था उस दिन का वीडियो है। तो बस यहाँ पे देखिए, मैं आ गई थी सही समय पे, तो यहाँ पे आम तोड़ चुके थे भैया एक बार का। तो ये जो झोला होता है अपना ना नीचे किए थे, तो ये होता है कि इसमें से आम पलट दूँ और फिर ये झोला ऊपर खींच लेते, इसमें एक दो आम डाल देते हैं ना, तो उसके बाद फिर ये झोला ऊपर खींच लेते हैं। और ये आम ना जो बम्बई उम्बई में आम लगता है, तो पापा मेरे ना ले आके यहाँ पर लगाए थे, और ये बम्बई वाला आम है, इसका नाम यही पड़ा है बम्बई वाला आम। तो ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और बहुत ही ज़्यादा ये मीठा होता है। देखिए इसको जैसे कच्चे ही सब खाते हैं, इतना ज़्यादा ये मीठा होता है। तो उसके बाद देखिए हम लोग आ गए थे यहाँ पे, देखिए प्रिंसी है, आराध्या है, अंशिका है, सब हैं। और यहाँ पे पापा भी देखिए आ रहे थे, पापा सोचे ना कि वहाँ पर कोई नहीं है आम के पास, क्योंकि यहाँ पर ना रहना ज़रूरी होता है। मेन चीज़ क्या है, रोड पर का आम है और जैसे आने जाने वाले जितने भी जन होते हैं ना, अगर कोई नहीं रहता ना तो पूरा उठा ले जाते हैं आम। और ये आम जो आप लोग देख रहे हैं ना, पूरा पेड़ एकदम गुच्छा हुआ था आम से, लेकिन रोड पे आने जाने वाले सब तोड़ लिए हैं, बस ऊपर का एक दो ढाई बचा, लेकिन उसमें भी बहुत सारा आम है। तो बस आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करी थी, लेकिन नहीं दिख रहा था। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे सब आम उम जो भी था तोड़ रहे थे, और मैं भी यहाँ ही थी, और उसके बाद जब कोई आएगा तो फिर चले जाए। और जैसे वो भैया ऊपर से आम तोड़ रहे थे ना, तो आम जगह जगह गिर रहा था, और मैंने बच्चों लोग से मना की थी कहीं कोने उने में हाथ मत डालना, क्योंकि देखिए सरपत वगैरह डर लगता है कुछ बैठा उठा ना हो। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए मैं ही जो डंडी होती उसी से मैं आम निकाल दे रही थी कि तुम सब हाथ मत डालना। और यहाँ पे ना जो मैं ढाई पकड़ी, से ढाई में कम से कम पाँच छः आम थे, बहुत बड़े बड़े आम थे, एकदम नीचे ही आम था, लेकिन ना ये टूट ही नहीं रहा था। बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिश करी, नहीं टूट रहा था। और आज ना सच में बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था यहाँ पर, क्योंकि मैं थी बस बच्चे बच्चे थोड़ा खेल कूद, मतलब इसी साथ में पूरा आम उम हम लोग तोड़े, पूरा बचपन याद आ रहा था आज। क्योंकि ना हम लोग के यहाँ पे देखिए आम बहुत है, और हम लोग इसी तरह से आम उम तोड़ा करते, ये देखिए आम, ये देखिए, मतलब यहाँ पे ना एक साथ में छः सात आम लगे हुए थे, बहुत मैं डंडी लेके कोशिश करी, और ये देखिए ये आम पका हुआ था। बहुत कोशिश करने के बाद तब कहीं जाके आम टूटा था, जो तीन चार आम था। तो बस यहाँ पे देखिए मैं तोड़ रही थी आम, और जो भैया चढ़े थे ऊपर तो अपना काम कर रहे थे, और इतना हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना, तो बस इसीलिए होता है कि एक दो जने यहाँ पे खड़े रहने तो डर रहता है कि कहीं हवा के साथ साथ पकड़ा हुई बहुत ज़्यादा ही। अभी ये महरान चली हैं, एक काम तोड़ने में थक गई, टूटा नहीं है, नीचे एकदम लेकिन मिल ही नहीं रहा है। देखो मेरे सर पे ना लगे, नीचे नहीं आएगा। कौन सी ढाई में है? यही वाले में। मम्मी लग गया क्या? कहाँ है? मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ गया आम? अच्छा, अरे वाले रुक जा, बता रही सब देख गई, देख गई, रुक जा। अरे यार ये रोबो कहते हैं कांटा में, रुक जा मैं धीरे से निकाल रही हूँ। यहाँ पे कांटा रख दिए हैं, रुक जा, काटा है पागल है, पकड़, रुक जा। मिशन कंप्लीट, एक और है अभी, मिशन कंप्लीट नहीं। हाँ मनीष जाऊं,
तो मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि कान्हा जी को है नहलाना। जाओ नहा धो लो, उसके बाद आऊंगी। तो सुबह सुबह इतनी तेज धूप हो जाती है ना, क्योंकि कान्हा जी भी उनको आंगन में ही सुलाती हूँ, यानी ज्यादा गर्मी होती है। चलिए नहा लेती हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। छोटा सा बच्चा, हाँ मनीष है। और उसके बाद देखिए, वहाँ से आने के बाद फिर मैं नहा ली थी, और सुबह सुबह इतनी तेज़ धूप हो जाती है ना कि 6 ही बजे ऐसा लगता है कि जैसे 12-1 बज रहा है, इतनी कड़ी धूप रहती है। और वहाँ पे खैर हवा तो चल रही है वहाँ पे, क्योंकि पेड़ है और जितने भी पेड़ है सब हमारे ही आम के पेड़, और हवा तो चल रही है। और इस बार ना जो वहाँ पे पेड़ है, 5-6 आम के पेड़ थे, तो बस एक ही पेड़ आम आया था, बाकी का आम नहीं आया था इस बार। बस पापा कहे थे वहाँ पर जाने के लिए कि मनीष के पास चली जाओ एक बार, उसे चाय पूछ लो, पानी उनी प्यास ना लगी हो। तो मैं कही चलो अच्छा पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद जाती हूँ वहाँ पे, क्योंकि ना बच्चे भी सब वहाँ पे, बुलाऊँ तो किसको बुलाएं, तो चलो मैं बाहर से चिल्लाऊँ, अब ऐसे ना इतना चिल्लाया नहीं जाता। मैं कही चलो पूजा कर ले रही हूँ और उसके बाद फिर बुलाती। तो मेरे आने से पहले ना पलक नहा धो के तब से कान्हा जी को नहला दी थी। मतलब हमारे यहाँ पे है कि अगर जैसे नहीं पहुँच पाते ना बच्चे उच्चे हैं तो, और ये जो मम्मी की साड़ी ना मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, तो बस यहाँ पे देखिए हो गई थी भगवान जी की पूजा। ये देखिए सब अच्छे से करने के बाद सब भगवान जी की पूजा हो गई थी। और ये देखिए कान्हा जी भी, इन्हें भी भोग वोग लगा दी थी। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं एकदम। और इस समय मैं इन्हें कुछ भी नहीं पहनाती, ना तो इनके हाथ में ना तो गले में, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना कि ये देखिए गर्मी सबको लग रही है। तो बस उन्हें मैं एकदम जो कॉटन का कपड़ा होता है बस वो भर पहनाती हूँ, और उनकी बांसुड़ी उन्हें दे देती ताकि वो अपने बजाते हुए अपनी बांसुड़ी बैठे रहें। तो बस चलिए कान्हा जी को भी भोग वोग लगाने के बाद, और उसके बाद फिर से मैं जाने लगी थी, क्योंकि ना मनीष के मोबाइल पर बहुत फ़ोन आ रहा था। तो मैं कही चलो जाती हूँ, उसका फ़ोन भी दे आती हूँ, और एक दो मम्मी दी थी कि इसी में अगर आम हो गया होगा तो लेते आने के लिए, इतनी जल्दी आम टूटने वाला नहीं था। अरे देखो यहाँ पे मैं दो बैग लेके, अरे थैली लेके जा रही हूँ, मनीष का मोबाइल लेके जा रही हूँ। और जा रही हूँ, हाँ देखो वो सब बैठे हैं कुर्सी पे, दिखाई देता होगा, धूप बहुत तेज है। तो उसके बाद देखिए हमें मनीष का मोबाइल दे दी थी, पानी भी मतलब विवेक लेते आए थे कि पीने के लिए, और बस यहाँ पे मनीष अपना मोबाइल चेक कर रहा था जो फ़ोन उन सब आता है। तो बस यहाँ पे फिर देखिए आम इतना सारा टूट चुका था, करीब ये 4-5 बैग आ चुका था। हम जो भैया बैग लिए हैं ना, तो ये मतलब देखिए भैया ऊपर बैठ के तोड़ रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये प्रिंसी मोबाइल ली थी ना तो बहुत ज़्यादा हिलाए। फिर देखिए फिर बैग आ गया, तो प्रिंसी खाली करने लगी थी बैग, और उसी में उन्हें बॉटल करके दे दी थी, क्योंकि उन्हें भी लगी थी प्यास, काफ़ी टाइम से ऊपर चढ़े हुए थे। और ये देखिए तोड़ रहे थे भैया आम, और हम लोग बस यही कह रहे थे कि भैया बहुत आराम से तोड़ना, अगर जहाँ ज़रूरत होगी तो बस उसी ढाई पे जाना, तो जो कमज़ोर ढाई होगी उस पर मत जाना। और उसके बाद फिर देखिए वहाँ से मैं आ गई थी, तो आने के बाद ना खाना बन गया था, मतलब खाना पीना भी बन गया था। और यहाँ पे फिर मैं लगा दे रही हूँ कान्हा जी को भोग, और कान्हा जी को भोग लगाने के बाद फिर यहाँ पे मैं निकाल दे रही हूँ पापा को खाना। और आज है ना मम्मी कोहड़ौरी वाली सब्जी बनाई है, यानी कि आलू टमाटर की सब्जी में 2-3 कोहड़ौरी डाली हैं, और ये वाली सब्जी मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। कोहड़ौरी डाल के सब्जी किसे किसे पसंद है ज़रूर बताना, और जिसे पसंद है तो वो लोग भी आइए, आप लोग भी खा लीजिए कोहड़ौरी वाली सब्जी, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस चलिए पापा को खाना निकाल लेती हूँ, और उसके बाद फिर वहाँ पर जाऊँगी जहाँ पर आम टूट रहा है। तो बस ये देखिए फिर से यहाँ पर आ गए थे, तो आम टूट गया था, तो भैया गिन रहे थे, तो सब हंसी ले रहे थे कि तुम्हारा वीडियो बन रहा है, तुम वायरल हो जाओगे। तो ये आम ना मेरे ख्याल से था 1200-1300 के करीब ये आम था पूरा। तो ये ना भैया आधे पे तोड़े, वैसे हमारे यहाँ तीन हिस्से में टूटता है, एक हिस्सा मतलब भैया ले लेते, दो हिस्सा हम लोग लेते, लेकिन नहीं भैया बस आधे पे ही तोड़े थे।
तो फिर उसके बाद देखिए वहाँ से आके और आम उम सब रख दी थी। और इसके बाद ये शाम का वीडियो है, तो यहाँ पे जो दाल होती है चने की दाल, इसे मैं रख रही हूँ उबलने के लिए। और क्यों उबलने के लिए रख रही हूँ अभी मैं आप लोग से बताऊँगी। चलिए पहले इसे उबलने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि जैसा कि आज है गंगा दशहरा और हर एक जगह हर मतलब अलग अलग तरीके से गंगा दशहरा मनाया जाता है। हमारे यहाँ किस तरह से मनाया जाता है मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी। और आज आप लोग को मेरा छोटा सा बगीचा देख के कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, अरे सॉरी बताना, क्योंकि आप लोगों को मैं अपना छोटा सा बगीचा दिखाने की कोशिश करी हूँ आज। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों देखिए आज है गंगा दशहरा और आज के दिन हमारे यहाँ ना जैसे पापा लोग खेत में सब जो भी जैसे थोड़ा बहुत मतलब जैसे लकड़ी उकड़ी जो भी रहता है खेत का जो भी, तो सब इकट्ठा करके आज खेत में आग जलाते हैं। और आज के दिन हम सबके यहाँ मतलब घर पे मेरे ससुराल में भी और यहाँ पे भी जैसा कि दाल पूड़ी बनती है और आम का पना बनता है, या मन होगा पना का नई सुविधा है तो उस खीर भी बनता है। तो बस मैं देखिए दाल रख दी हूँ बनने के लिए और अभी पापा लोग आग जलाएंगे खेत में, तो आप लोग को जरूर दिखाऊंगी। तो चलिए जो जो रहेगा मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी और आप लोग भी जरूर बताना कि ये मतलब किसके किसके यहाँ मनाते हैं गंगा दशहरा। हमारे बस इसी तरह से मनाते हैं, ज्यादा करके ना आज के दिन खेत में होता है जो जितना भी होता है वो जलाया जाता है। और बाकी तो जो आम सब टूट के आया था आप लोग देखे, उसे फैलाई नहीं हो, चलो उसे फैला दो ताकि वो अच्छे से पक जाए, उसका जैसे अमावट है आम पापड़ है या ये सब ऐसी कुछ बन जाएगा। थोड़ा बहुत प्रिंसी को बहुत मन है पका आम खाने का, क्योंकि ये जो आम टूटा है ना बहुत मीठा वाला आम है एकदम, जैसे खाने में कच्चे ही आम सब खा रहे। खैर मुझे तो नहीं पसंद है बिल्कुल भी, बस मेरा तो खुद 3 दिन से इतना दांत दर्द कर रहा है कि मुझे पता है। चलिए मैं अभी तैयारी करती, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है इस समय। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो आम बचा था, बाकी आम मम्मी ना बड़ी मम्मी लोग के यहाँ थोड़ा थोड़ा सबके यहाँ दे दी थी, और जितना आम बचा था ना मैं इस कमरे में पूरा फैला दे रही थी एक कोने में। यहाँ पे ठंडा भी रहता है और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है, तो बस यहाँ पे मैं सारा आम फैला दे रही थी। और आज वहाँ पर ना सच में सुबह बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इतनी हवा चल रही थी और ना पुराने दिन याद आ जाए, जैसे आम के पेड़ उड़ के नीचे आम उम टूटना ये सब चीज़ देखना ना सच में पुराने दिन याद आ जाए। प्रिंसी तो बहुत खुश होती, प्रिंसी यहाँ आके ना बहुत ज़्यादा खुश होती है। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे दाल भी उबल गई थी, तो मैं चने की दाल रखी थी उबलने के लिए, तो ये उबल चुकी थी। पहले एक बार खोल के देखी थी ना तो बस अधकची थी, लेकिन अब काफ़ी अच्छे से उबल गई है। तो मैं इसे निकाल के मतलब छान के रख दे रही हूँ, जो छन्नी वाला पलटा होता है ना, तो इससे मैं इसका सारा पानी निकाल के और तब निकालूँ। बाकी जो कुकर में पानी इसे मैं फेंकूँगी नहीं, अभी रखे रहूँगी क्योंकि अभी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और बस यहाँ पर इसे छोड़ दे रही हूँ मैं ठंडा होने के लिए। और उसके बाद फिर देखिए मैं आ गई थी बाहर, और दोस्तों बाहर मैं बैठ गई थी, लहसुन था ना, तो मम्मी कहें कि लहसुन छील लो, और मम्मी देखी गई हैं चापाकल पे पानी लेने, और पापा तैयारी कर रहे हैं गंगा दशहरा की, मतलब कैसे हमारे यहाँ मनाया जाता है मैं भी आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। और बस यहाँ पे देखिए थोड़ी बहुत शरारत चली है बच्चों की, और पापा ना बहुत चिढ़ जाते हैं बच्चों लोग से, क्योंकि बच्चे ना उन्हें बहुत ज़्यादा चिढ़ाते भी हैं। और साथ ही चलिए दोस्तों, अगर आज का वीडियो अगर मैं पूरा बनाऊँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज का वीडियो बस यहाँ ही तक का है। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगेगा तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना, बहुत से लोग भूल जाते हैं लाइक और सब्सक्राइब करना, तो आप लोग से भी विनती है कि आप लोग भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। और साथ ही चलिए अगले ब्लॉग में आप लोग को बहुत अच्छे से, क्योंकि ना हमारे थोड़ा अलग तरीके से मनाया जाता है गंगा दशहरा और हर जगह अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, लेकिन मैं आप लोग को अगले ब्लॉग में जरूर दिखाऊंगी। और थोड़ा बहुत देखिए हमारे यहाँ बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, एकदम खुला माहौल है। तो चलिए आप सबसे अगले ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड।